नमस्कार, मैं पारुल सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं अलीगढ़ के नामी मस्जिद दौदपुर वार्ड नंबर 58 में। यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ की पार्षद नफी शाहीन जी। तो इनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर और जानते हैं। मैम, आप स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हाँ जी, आप अपना परिचय बताएंगे मैम। मेरा नाम नफीस शाहीन है, वार्ड नंबर 58 से मैं पार्षद हूँ कांग्रेस पार्टी से जी। मैम, कितना समय? पहले तो सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि सब, क्योंकि पिछले कोरोना में जो हमारा साल गुजरा है वो बहुत ही लोगों को बहुत मतलब हानि हुई है पूरे देश में, तो इस साल ऐसी नौबत ना आए। मैं दुआ करती हूँ कि सारे देशवासी, हमारे जितने भी लोग हैं, सब खुश रहें और कोई बीमारी ना हो उनको। थैंक यू मैम। आपने कितने वोटों से मैम विजय प्राप्त की थी? मैं 120 वोटों से जी। तो अपने वार्ड में आपने क्या क्या अभी तक कार्य किए हैं? माशाल्लाह, मेरे रोड काफ़ी बनवाए हैं मैंने जी। और लाइट वगैरह, नई लाइटें बहुत लगवाई हैं, और सफाई का तो डेली का रहता ही रहता है हम लोगों का, कि कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में, तो सफाई तो डेली होती रहती है। और बाकी कोई कंप्लेंट आती है कहीं से, रोड टूटी हुई है या नाली है। अभी मेडिकल रोड का हमारा आपने देखा ही होगा कि नया बनने जा रहा है, वो भी हम लोग का कोरोना की वजह से रुक गया था। पहले ही उसका हो चुका था सारा, लेकिन वो कोरोना पीरियड में क्योंकि सारे काम बंद थे तो इसलिए वो लेट हो गया। अब शुरुआत हो चुकी है उसकी, मेडिकल रोड की। मैम, आपकी क्या राय है, जैसे कि अभी विधानसभा को चुनाव आने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को समर्थन देती हैं अपना? जी, कांग्रेस को। मैं तो कांग्रेस ही हूँ, बहुत पुरानी, तो जाहिर है कांग्रेस ही है मेरे लिए। तो जैसे कि आपकी पार्टी जब आने का मतलब आने वाली है, तो क्या क्या आपकी पार्टी जनता के लिए क्या करोगे, मतलब आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए। हमारी यूपी की प्रभारी प्रियंका जी ने जो जो वादे किए हैं, और हमारी पार्टी का हमेशा से ये रहा है कि जो जो वादे किए हैं वो सब निभाए हैं, कभी झूठ नहीं बोला हमारी पार्टी ने। अब प्रियंका दीदी ने अभी तो महिलाओं की जो भागीदारी के लिए कहा है, 40% भागीदारी महिलाओं की टिकट वितरण में, तो महिलाएं आगे आ सकती हैं, इलेक्शन लड़ सकती हैं। और स्कूटी वगैरह छात्रों को, छात्राओं को जो स्कूटी दी जाएगी, स्मार्टफोन दिए जाएंगे, और अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो बिजली का बिल हाफ़ किया जाएगा, किसानों के जितने बिल हैं वो माफ़ किए जाएंगे, और गन्ना किसानों को, और उनको सही रेट पे उनकी फसल मतलब दी जाएगी। ये सारे काम हमारी पार्टी के हैं, और इंशाल्लाह सत्ता में आते हैं तो सब पूरे होंगे जी। बिल्कुल। तो जैसे और बेरोज़गारी भी काफ़ी है हद तक, तो अब बेरोज़गारी के लिए क्या करेंगे आप? गवर्नमेंट जॉब के लिए कहा है कि सरकारी जॉब लगेगी ना, 10 लाख सरकारी जॉब के लिए कहा है प्रियंका दीदी ने। थैंक यू मैम। और आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी पार्टी को लेकर? हाँ, पार्टी से यही है कि भाई देखिए, हम वो सबका ही है कि हमारी कांग्रेस पार्टी तो आज़ादी से पहले की पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी वही है। सारी चीज़ें जो मतलब जब हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, जो आज देश में इतना कुछ दिया है वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। तो सब लोगों को यही है कि एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहिए, ताकि जिताएंगे। अब इस मौजूदा सरकार में तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं की क्या हालत है, सारे कॉलेज स्कूल बंद हैं। मोदी जी ने तो वैसे भी कह दिया है, पहले ही कह दिया था कि पकोड़े बेचिएगा, तो पढ़ाई की तरफ तो कोई ध्यान ही है नहीं। हमारा AMU आज तक बंद पड़ा हुआ है, स्कूल कॉलेज अब फिर दोबारा सुना जा रहा है कि फिर बंद होने की कगार पर हैं, तो बताइए बच्चों का कितना पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो रोज़गार, और रोज़गार के नाम पर जो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ दिए जाएंगे, तो अभी तक तो कुछ बच्चों को नौकरियां कुछ मिली नहीं है। पढ़े लिखे लड़के बेचारे इधर उधर ही घूम रहे हैं, और जो थोड़ी सी कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी। गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है बिल्कुल। तो हमारी पार्टी अब काम करेगी, सपोर्ट करें सब लोग, अगर सत्ता में आते हैं तो जो जो वादे किए हैं वो सारे इंशाल्लाह पूरे होंगे, और सही है, देश जाएगा ही जाहिर है तरक्की पे। जब सारे काम होंगे तो नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, तो जाहिर है होगी तरक्की देश की। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ मैम ने बहुत अपनी पार्टी को लेकर काफ़ी चीज़ें बताई हैं हमें हमारे चैनल में। ठीक है, ओके मैम, धन्यवाद।
जी मैम, आपकी अपनी पार्टी का आपका कोई एक मतलब मेन अच्छा पॉइंट आप वो भी बताइए हमें, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ। अभी हमारी प्रियंका दीदी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो अब महिलाएं सत्ता में आएंगी और अच्छे काम करेंगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।